क्वेश्चन नंबर थ्री पे बात करते हैं भाई, कहता है विच अफेक्ट बोथ ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। यार देखें, अब आप थोड़ा सा विजुलाइज कर लें फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट का। सबसे पहले क्या आता है, सेल्स पे लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल, क्या आता है ग्रॉस प्रॉफिट, एड अदर इनकम लेस एक्सपेंसेस, क्या आता है नेट प्रॉफिट या लॉस। आपको बताना है कौन सी ऐसी चीज़ है जो जीपी और एनपी दोनों को अफेक्ट कर रही है। यार देखो, जो चीज़ जीपी के बाद आती है वो सिर्फ नेट प्रॉफिट को अफेक्ट करेगी, ऊपर जाके जीपी को अफेक्ट नहीं करेगी। वो जो अदर इनकम है और जो एक्सपेंसेस हैं उसका इफेक्ट नेट प्रॉफिट या लॉस पे तो पड़ेगा, लेकिन ऊपर जाके ग्रॉस प्रॉफिट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक ऐसी चीज़ है जो सेल्स के बाद आ रही है या कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ रही है तो वो जीपी पे भी इफेक्ट करेगी, और अगर एक चीज़ जीपी को इफेक्ट कर रही है तो नेट प्रॉफिट पे भी इफेक्ट करेगी। कैरेज इनवर्ड कॉस्ट ऑफ सेल में आता है, याद है, ओपनिंग एड परचेज लेस रिटर्न आउटवर्ड एड कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड फॉर एग्जाम्पल अगर बढ़ जाए तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगा तो जीपी कम हो जाएगा, अगर जीपी कम होगा तो नेट प्रॉफिट भी कम होगा। कैरेज इनवर्ड दोनों को इफेक्ट करेगा, बाकी कैरेज आउटवर्ड जो है वो सिर्फ आता है जीपी के बाद, एक्सपेंसेस में आता है। तो जो चीज़ एक्सपेंस में आ रही है, अदर इनकम में आ रही है, वो नेट प्रॉफिट को अफेक्ट करेगी, ग्रॉस प्रॉफिट को अफेक्ट नहीं करेगी। डिस्काउंट अलाउड भी अदर इनकम के एक्सपेंसेस में आता है, और डिस्काउंट रिसीव भी अदर इनकम में आता है, अदर इनकम जीपी के बाद आएगा। जो चीज़ जीपी के बाद आएगी वो ऊपर जाके जीपी को अफेक्ट नहीं कर सकती, वो आगे जाके नेट प्रॉफिट को अफेक्ट करेगी। बस सिर्फ वो चीज़ जो जीपी से पहले आती है वो ग्रॉस प्रॉफिट को अफेक्ट करेगी, बाकी सारी चीज़ें नेट